أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हकूक़ फ़राज जिस सीरीज़ में आप तमाम का दिल से इस्तकबाल हैं पिछले दरूस में बात चल रही थी स्टूडेंट्स के हूक़ के सिलसिले में कुछ बुनियादी हकूक़ का मैंने जो है ज़िक्र किया था उसी मौ को आगे बढ़ाते हुए आज जो मौजू लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ तलबा के हूक़ के सिलसिले में एक हक़ ये भी हैं कि घर वाले अह खाना पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं अहल खाना परलबा के हकूक़ आज का जो हमारा मौजू है अहल ख़ाना पर घर वालों पर तलबा के हकूक़ देखिए तलबा की तालीम और तरबियत के सिलसिले में बुनियादी और ज़रूरी बात ये है कि घर का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए घर का माहौल इस्लामी माहौल होना चाहिए घर में शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए घर को आबाद करने से पहले बाप की ज़िम्मेदारी है माँ की ज़िम्मेदारी है और उन दोनों की जिम्मेदारी है शादी होने से पहले हमें फ़िक्र होनी चाहिए एक लड़के को जो बाप बनने वाला है या बाप बनने शोहर बनने वाला है फिर वो बाप बनेगा दूसरे मरहले में अल्लाह अल्लाह ने अगर औलाद दी तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए अच्छी माँ का इंतखब करें इसी तरह जो शो बीवी बनने वाली हैं उसके लिए ज़रूरी कि अच्छे शोहर एक अच्छे रफ़ीक हयात का जो है अपने लिए इंतखब करें ताकि आने वाली नस्लें इस्लामी तालीम और तरबियत को हासिल कर सकें और अपने घर को जो है जन्नती बनाकर उनकी सही फ़िक्र उनकी असलाह कर सकें तो तलबा का हक़ यह भी है कि जहाँ तलबा रहते उनका जो अपना घर है घर वालों की ज़िम्मेदारी है माँ बाप की खास तौर से सरपरस्तों की कि घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखें घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएँ दीनी माहौल बनाएँ घर में कुरान की तिलावत होती हो घर में नमाज़ों की पाबंदी होती हो खास तौर से खुतिन और मर्द हजरात भी कोशिश करें जिम्मेदार के नफिल और सुन्नतों को घर पर अदा करें क्योंकि ये अफजल हैं और बेहतर हैं फ़र् नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज जो घर पर अदा की जाए ताकि बच्चे उसको देख कर नमाज के आदि हो जाएँ नमाज के पाबंद हो जाएँ और अलहमदिल्ला आज के लॉकडाउन के माहौल में जहाँ मसाजिद बंद हैं तो घरों में जो है इसकी पाबंदी लोग कर रहे हैं उसका काफ़ी अच्छा असर जो है घर वालों पर हो रहा है कि घर में नमाज़ बाजात अदा की जा रही है रमज़ान में हमने तरावी की नमाज घरों में अदा की तो इसका अच्छे ख़ासे असरा जो हैं अलहदुल्ला घर के माहौल पर हो रहे हैं और घर वालों पर हो रहे हैं तो तलबा की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जहाँ हमने इससे पहले बहुत सारे बातें हमने सुनी उसदा पर मुरबीन पर मिलात पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं तो वहीं घर वालों पर बनती हैं कि घर के माहौल को हम सही रखें इस सिलसिले में एक बात ये भी माहरीन ने लिखी है कि हर चीज़ को घर में हर चीज़ को जो है उसकी अपनी जगह पर रखें मुरतब अंदाज में रखा जाए हर चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पर रहनी चाहिए और उससे उससे पहले भी घर बनाने के सिलसिले में माहरीन ने तजुर्बेकार लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि घर बनाने के सिलसिले में घर वाली से जो है मशवरा लिया जाए किचन कहाँ हो बेडरूम कहाँ हो हॉल कहाँ हो डाइनिंग रूम कहाँ हो ये तमाम चीज़ें घर के और जितना बड़ा घर होता है उतने जो है कमरे होते हैं कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए तो घर वाली ज़्यादा घर पे रहती हैं उसकी सेटिंग के हिसाब से क्योंकि बास ख़वातीन माशाल्लाह काफ़ी ज़हन होती हैं माहिर होती हैं अच्छा मशवरा देती हैं और घर पे उन्हीं को ज़्यादा रहना पड़ता है तो उसकी सेटिंग के लिए भी घर वाली से जो है मशवरा करना चाहिए और घर के तमाम चीज़ें किस अंदाज़ से मरतब की जाएँ इसका सलीका भी हमें होना चाहिए क्योंकि उसके बहुत गहरे असरा जो हैं बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ते हैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सबक़ वाइस चांसलर मरहूम सैद हामिद रम्ला जो मरहूम हैं इनका इंतक़ाल हो चुका है आप फरमाते हैं लिखते हैं कि जो बच्चे मुरतब घर में तरबियत पाते हैं जिन घरों की सेटिंग अच्छी होती है तरतीब अच्छी होती है हर जगह हर चीज़ जो है उसकी मुनासिब जगह पर रखी जाती हैं आप कहते हैं कि उस घर के जो हैं उनके जहन भी मुरतब हो जाते हैं घर में रहने वाले बच्चों के उन तलबा के तालिबात के जहन भी मुरतब होते हैं उनमें हर ख्याल हर फिक्र हर दलील आरास्ता और व पैरास्ता रहती हैं आगे कहते हैं अगर घर गंदा है बेतरतीब हैं और उसमें असबाव अशिया के अंबार नज़र आते हैं तो बच्चों का जहन भी उलझा रहा हुआ रहेगा बच्चों का जहन भी जो है मुंतशर रहेगा जिस तरह अशिया मुंतशिर होती हैं घर में बच्चों का जहन भी जो है मंतशर रहेगा फरमाते हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल तो ना दें और उनसे ये उम्मीद रखें कि वो अच्छे उठेंगे उनके किरदार आदात व अतवार चाल ढाल और बातचीत में जो है पाकिजगी होगी उनमें सफाई हसन तरतीब और तर्ज़ तफहीम जलवागर होगा तो एक खाम ख्याली है कह रहे हैं सिर्फ हम एक ख्याल एक तस्वुर में ला सकते हैं लेकिन अगर घर में जिस तरह जो चीज़ें जहाँ रहनी चाहें मुरतब अंदाज में अगर होती हैं तो जो ये बातें जो आपने ज़िक्र की हैं उनके आदत तो अतवार उनका किरदार उनका गुफ्तार उनके अखलाक भी जो हैं सही होंगे तो बग़ैर इन चीज़ों के जो ज़रूरी हैं घर की सेटिंग सही हो घर का माहौल सही हो उसके किए बग़ैर जो तो हम अपने तलबा से अपने तालिबा से या माँ बाप अपनी औलाद से रखते हैं वो एक खाम ख्याली है बस करें बुराई के भी, बीच हम नेकी की फसल काटने चले इसी तरह कहते हैं तालीम और तरबियत का सरचमा घर है माँ की गोद हैं बाप की कड़ी और बसी निगाह हैं तालीमी इदारे इसे संवारते हैं और बस और तरबियत के लिए जो हैं आ, कहते हैं कि तरबियत के लिए तालीम से ज़्यादा काविश और ज़्यादा अहतमाम करना पड़ता है तालीम से ज़्यादा तरबियत का अहमाम करना पड़ता है और आज देखिए जितने मदारस हैं जितने मदारस हैं जितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं ख़ास से जहाँ हॉस्टल की हॉस्टल हाँ में रहकर बच्चे तरबियत पाते हैं वहाँ भी शिकायत है कि बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पा रही तालीम के साथ साथ तरबियत अहम है लेकिन तालीम दी जा रही है और तालीम भी बरा नाम या तो दुनिया के मखासद के हसूल के लिए इल्ला माशा आज भी अलहमदिल्ला ऐसे मदारस हैं ऐसे मखातब हैं और ऐसे जो इस्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे सही लोग सही फिक्र रखने वाले सही दर्द रखने वाले उम्मत का आज भी मौजूद है लेकिन अक्सर का मामला नाउज बिल्ला साउज बिल्ला ये मजबूरा हमें कहना पड़ता है कि तालीम तो है और बराए तालीम बराए नाम की और तरबियत को जो है फ़दान नजर आता है तरबियत का जो है बहुत बड़ा फ़द्दान नज़र आता है इसी तरह बाद और ने बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसमें इमाम गज़ाली रमतल जो मशहूर आलि हैं एहियाद्दीन जो है आपकी मशहूर किताब है इस बाब में जो है बहुत सारी बातें आपने ज़िक्र की हैं उसके ताल्लुक से चल अहम बातें मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कहते हैं बच्चों के ताल्लुक से माँ बाप और सरपरस्तों का तरीक़ार अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल है बच्चा माँ बाप के पास एक तरह की अमानत होता है अल्लाह की तरफ से अमानत होता है इसका पाक व साफ़ दिल किसी भी तरह के नक्श व नगार और ख़्याल और, और रुझान से बिल्कुल खाली होता है किसी उमदा नफीस और खालिश जौहर की तरह उसके दिल पर कुछ भी नक्श किया नक्श किया जा सकता है जैसे चाहें हम उसको तराश सकते हैं एक कागज़ जो खाली कागज़ हो जिस पर जैसे चाहे हम लिख सकते हैं उसको डिज़ाइनिंग डिज़ाइन मुजैन कर सकते हैं उस पर डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं इसी तरह बच्चे का दिल बिल्कुल पाक व साफ़ होता है अल्लाह ताला फितरत इस्लाम पर हर बच्चे को पैदा करता है इसकी तरह आपने इशारा किया कि जैसे चाहें हम उसको बना सकते हैं आज तारीख गवाह हैं कि हर दौर में अच्छे बड़े बड़े जो हैं मुहदसिन फ़ाहहालमा उदबा मुकर्रीन तरबियत याफ़्त इस और बहुत सारे मुरबीआन और दुनिया ने जो है हर मैदान में बा कमाल अफराद को पाया मर्दों में भी और ख़वान में भी अलहमद ला तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि उनका माहौल सही माहौल उनको मिला उनको सही तरबियत मिली सिर्फ़ तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ साथ जिनकी सही तरबियत की गई वक्त के बड़े बड़े जो हैं लोग बनकर सामने आए और आज भी अलहमदिल्ला जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं जिस दौर में हम जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं बड़े बड़े माहरीन को हम देखते हैं और अभी चंद दिनों से चंद महीनों से अकबर ये क़ियामत के आसार हैं कि बड़े 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 माहरीन फ़न इंतकाल कर रहे हैं र्ल रहत वासिया ताला हमें हर फितने से महफूज रखे अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की अल्लाह तोफ़ी ताफ़रमा तो ता मैं तो बात कह रहा था कि अहिल खाना पर घर वालों पर बड़ी ज़िम्मेदारी सिर आज बहुत सारे लोगों को शिकायत है मदारस में पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में हज़ारों रुपये देकर लाखों डोनेशन एडमिशन के नाम पर देकर फीस लाखों की देकर भी जो है माँ बाप को शिकायत है सरपरस्तों को शिकायत है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही मैं सिर्फ कॉलेज स्कूल की बात नहीं करूँ जहाँ सिर्फ अपन होता है रोज़ाना जाते आते हैं वहाँ तो तालीम के साथ तरबियत का फ्कदान है लेकिन जहाँ हॉस्टल होते हैं जहाँ निगरानी होती है वहाँ भी जो है तरबियत का फ़ुदान नज़र आता है क्योंकि मुरबीआन ज़िम्मेदारान ऐसे हैं जो बच्चों के लिए आइडियल नहीं उस्वानी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन फितनों के दौर में भी बहुत सारे ऐसे मदारस हैं बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां हॉस्टल का सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी पाबंदी कर रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं लेकिन नक्स कहाँ हैं नक्स और आएब घरों के माहौल में जब बच्चे वापस एक महीने के लिए दो महीने के लिए या बीस में छुट्टी में कभी आते हैं तो वहाँ देख लें माँ बाप के लाड़ प्यार में बेजा लाड़ प्यार और घर का माहौल वो नहीं मिलता जो स्कूल में कॉलेज में और मदारिस में जो माहौल दिया जाता है मदारिस में ख़ास तौर से मैं कहूँगा नमाज़ों की पाबंदी दुआओं का अहमाम अच्छे अखलाक उनको सिखाए जाते हैं हर एक के साथ कैसे मामला होना चाहिए बच्चे वहाँ रह कर क़ुरान हदीस की तलीम और आदाब सीखते हैं अखलाक सीखते हैं लेकिन जैसे एक घर लौटते हैं उनको वो माहौल नहीं मिलता जो माहौल मदारिस देते हैं तो शिकायत करने से पहले हम और आप गौर करें कि हम क्या कहाँ तक हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें खुन फुसम वाहली गुम नारा इसमें सिर्फ मुरबीन या सिर्फ अस्तिदा म्मेदारान शामिल नहीं उनके साथ साथ हम भी जो माँ बाप कहलाते हैं जहाँ बाप जिनको अल्लाह ने माँ बाप बनाया है जिनको सरपरस निगरान बनाया है हर एक की म्मेदारी हैं कुल मरा कुल लुख मसूल उनती हैं हर एक तुम्हे का म्मेदार हैं और उसको कल क़ियामत के दिन उसकी म्मेदारी के बारे में पूछा जाए हर एक अपना महासबा करें आज ये फितरों का दौर है जिसमें फूंक-फूंक कर जो है हमें कदम उठाना है तो ऐसे माहौल में अगर हमने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी सही उनकी तरबियत नहीं की तो हम जिम्मेदार होंगे दुनिया में भी रसवाई और जिल्लत उठानी पड़ेगी बदनाम हम खुद होंगे हम खुद बदनाम होंगे कोई हमें बदनाम नहीं कर सकता जब तक हम सही हैं अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं अच्छे अच्छे अंबिया को लोगों ने जादूगर पागल मजनून कहा दीवाना कहा वक्त का सबसे बड़ा शरपसंद कहा और बहुत सारे बुरे अलकाब जो अच्छे थे जो लोगों के लिए उसवा आइडियल थे ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा गया हम कहाँ से बच सकते हमारे लिए आजमाइश भी होंगी हमारी औलाद ये तलबा ये तालिबात हमारे लिए जहाँ आजमाइश भी हैं हमारे लिए आजाब भी बनेंगे ज़िल्लत और रसवाई का सबब भी बनेंगे अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा अगर हमने इसको अदा नहीं किया इस अमानत को इस अमानत में अगर खियाानत की दुनिया में भी अल्ला जलील करेगा आखिरत का आजाब उस रसवाई के उस रसवाई से हम बच नहीं सकते तो आज हर एक के लिए ज़रूरी है हर एक के लिए ज़रूरी हर एक अपनी ज़िम्मेदारी अपना मुहासबा करे अपनी अपने अपने बारे में सोचें कहाँ तक हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को कहने से पहले किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले हम अपना जायज़ा लें चार उंगलियाँ हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम अपने हजूब नफ्स की फ़िक्र करें अपना मुहासबा करें हमेशा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारें और ये लॉकडाउन के अयाम में देखिए जहाँ माहौल एक तरफ डर और खौफ का है वहाँ हमें अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हुए कामिल ईमान के साथ और अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं और बहुत सारे इसबाब ऐसे अल्लाह ने पैदा कर दिए कि हम अपने बच्चों को घर में रख कर आज माँ बाप जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं बहुत सारे फ़ितनों से बच्चे बचे हुए हैं ख़ास तौर से मैं कहूँगा कॉलेज और इस्कूल में जो बहुत सारे फ़ितने हैं उन फितनों से बच्चों को अल्लाह ने बचा भी दिया है ऑनलाइन क्लास में घर पर बैठ आपका बच्चा पढ़ रहा है आप निगरानी कीजिए मालूम होगा वो क्या पढ़ रहा है वो क्या सुन रहा है वो क्या पढ़ रहा है क्या सुन रहा है कॉलेज में रहकर कभी सुस्ती करता है सोता है कभी जो है कॉलेज नहीं जाकर घूम फिर कर जो है बताता है कि मैं जा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे किसी की छेड़खानी कर रहा है किसी को सता रहा है लेकिन घर पर रह अल्लाह ने उसको बचाया है तो लॉकडाउन के और ये वबाओं के जो जहाँ पर नुकसान भी वहाँ कई फवाद भी हैं तो खास इन दिनों में हम अपना मुहासभा करें अपना मुहासभा करें हमारे गुनाहों की वजह से हमारी ख़ताहों की वजह से आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए व खाना अब हम साल हाँ अकबर सूर कहा पढ़िए जुमा हर जुमा में पढ़ने का हुक्म दिया गया हम गौर से पढ़ें व खाना अबू हमा साह नेक माँ बाप के बच्चे कैसे होते हैं अल्लाह ताला ने कहा उनके उस बच्चे के माँ बाप जिस बच्चे पर एहसान किया ख़तर आलम ने कहा उसके माँ बाप नेक थे सईद बिन मुसै रहामत सद ताबिन तबिन के सरदार हैं आप नवाफिल कसरत से पढ़ते थे चालीस साल उन्होंने खुद अपने बारे में कहा मैंने सफ़े अव्वल में उन्होंने नमाज़ पढ़ी किसी की पीठ उन्होंने नहीं देखी मतलब सफ़े अव्वल में पहली सफ़ में चालीस साल तक उन्होंने नमाज़ अदा की कसरत से नवाफिल की पाबंदी करते थे और कहते अपने बच्चों को सोते हुए देखते मेरी औलाद मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अल्लाह अकबर तुम अच्छे बनो मेरा नेक अमल का असर मेरे ईमान मेरी ताकत और अल्लाह पे भरोसा अच्छे अमाल का असर हमारे अपने बच्चों पर होते हैं आपने इशारा किया अल्लाह अकबर हम देखें हमारा किरदार कैसा है हमारा ज़ाहिर और बातिन कैसा है हमारा अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है और बच्चों को जो भी हम हुक्म देते हैं तलबा हों तालिबात हों अपनी औलाद हों उससे पहले ख़ुद देखें हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कहीं हमारे अंदर नक्स तो नहीं हम खुद बच्चों को बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो हम ख़ुद ना करें और बुराइयों से खुद ना बचें अच्छे अमाल ख़ुद ना करें और मदारिस से ज़िम्मेदारी डाल देंतिदा को बदनाम करें ज़िम्मेदारान को बदनाम करें किसी और को ये नादानी हा, है हाँ मानते हैं तस्लीम करते हैं कि मदारिस परफेक्ट नहीं है मसाजिद परफेक्ट नहीं है जहाँ भी जो भी दावा कर रहे हैं आज कोई आज परफेक्ट नहीं हर एक के अंदर नक्श है ऐब हैं लेकिन हर एक अपना मुहासभा करें अपना जायज़ा लें कहाँ नक्श है कहाँ वाकई खलल है उसको पूरा करने की कोशिश करें अपनी ज़िम्मेदारी को समझें माँ बाप जितना अपने बच्चों को समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़िकता फ़रमाएँ अल्लाह ताला तलबा और तालिबात के ताल्लुक से जहाँ उस को फिक्र करनी है जहाँ ज़िम्मेदारान को फिक्र करने, है वहाँ अल्लाह तोफ़ी दें कि घर वाले खानदान वाले माशरे वालों को भी अल्लाह ताली सही फ़िक्र करने की शहदत न फरमाए आमीन सुमी व मालीना इलामबी असलमकुम वरम वर्का